चारों तरफ एक खूब सन्नाटा, और उस सन्नाटे में आजादी के नारे लगाते हुए आजादी आजादी। तो दोस्तों, हिंदुओं पर हुए अत्याचार को सैड रियलिटी में दिखाती हुई फिल्म द कश्मीरी फाइल्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ चुकी है और अब सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे से इस फिल्म का क्लेश होने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के शुरुआती दो दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में और इस फिल्म का कंपेयर करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती 9 दिनों में धमाकेदार कमाई करती आ रही द कश्मीरी फाइल से, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही फिल्मों में आज की बॉक्स ऑफिस बाजी कौन मार रहा है और कौन बना है बॉक्स ऑफिस का किंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी अक्षय कुमार सर के डाहट फैंस है और द कश्मीर फाइल्स को देख चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते ही रिलीज किया गया है। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते लगभग 2900 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। सुपरस्टार अक्षय कुमार दोस्तों इस फिल्म में गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं। अरशद वारसी, कृति सैनन और जैकलिन फर्नांडिस भी दोस्तों इस फिल्म में आपको नजर आने वाली है। साजिद नाडियाडवाला के ग्रैंडसन तले बनने वाली दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल लगभग 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन सिर्फ 13,25,00,000 रुपए की ओपनिंग ली। हालांकि दोस्तों द कश्मीर फिल्म के सामने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 13,00,00,000 रुपए की ओपनिंग लेना भी एक बड़ी बात रही, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को लगभग 5,000 शो ही मिल पाए थे। अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के सेकंड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बच्चन पांडे को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। क्रिटिक्स ने भी दोस्तों इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी है और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी ग्रोथ के साथ 16,00,00,000 रुपए के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वो लगभग 29 करोड़ से ज्यादा का हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस इस फिल्म का 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका होगा और सुपरस्टार अक्षय कुमार की ये फिल्म अपने शुरुआती दो दिनों के ट्रेंड में एक सुपर हिट फिल्म बन चुकी होगी। वही दोस्तों, अब बात कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही द कश्मीर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे रिलीज हुए आज 9 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 9 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन से आखिरी दिन तक यानी कि आज तक जो कमाई की है वो अब तक की सबसे बेहतरीन कमाई है और इस फिल्म के कलेक्शन डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों बता दे चले आपको कि विवेक रंजन अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनने वाली एक हिस्ट्री ड्रामा फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, जो कि सच्ची घटनाओं को दिखाती हुई फिल्म है। इस फिल्म में दिखाया गया है दोस्तों कि किस तरह से हिंदू पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था और उन पर अत्याचार किए गए थे, और इसी को देखने के लिए दोस्तों हिंदुस्तान की जनता आज इस फिल्म को काफी सपोर्ट कर रही है और इस फिल्म ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो आज तक ना ही बाहुबली और ना ही दंगल जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बना पाई है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अपने पहले दिन 650 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के पास आज 4000 स्क्रीन से, और इन 4000 स्क्रीन पर दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो आज का निकल कर आ रहा है वो बाहुबली 2 और दंगल जैसी फिल्मों से भी कहीं ज्यादा है। अगर बात की जाए दोस्तों बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 97 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की। अपने 8वें दिन दोस्तों इस फिल्म के सामने अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे भी थी, लेकिन दोस्तों कश्मीर फाइल्स को जिस तरह का शानदार रेस्पॉन्स ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है उसके बाद दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे भी इस फिल्म से पीछे रह गई। दोस्तों बताते चले आपको कि इस फिल्म के अपने 8वें दिन के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस निकल कर आए हैं वो 19,50,00,000 से भी ज्यादा के रहे, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है, और इस फिल्म ने दोस्तों अपने 8वें दिन के मुकाबले दंगल जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड्स को भी तोड़ दिया है, जिसने कि अपने 8वें दिन लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए कमाए थे। बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के 9वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आज इस फिल्म को लगभग 13,000 से ज्यादा शो पर रिलीज किया गया, जहां पर यह फिल्म आज मॉर्निंग से ही 50% की ऑक्युपेंसी के साथ ओपन हुई थी। बाद में दोस्तों इस फिल्म की ऑक्युपेंसी बढ़ती गई और दोस्तों अब इस फिल्म के सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं, और यही वजह है दोस्तों कि आज यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक और हिस्ट्री बनाने जा रही है और आज के इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 25 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका होगा,
वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 150 करोड़ रुपए का आंकड़ा आज पार कर चुकी होगी। दोस्तों बता दे चले आपको कि सिर्फ 15 करोड़ इस फिल्म का बजट है और इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए दुनिया भर से कमा लिए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राम सेतु फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जिस दिन रिलीज होगी उस दिन कितने रिकॉर्ड्स बनाएगी। आज के कलेक्शंस का कंपेयर किया जाए तो दोस्तों आज भी द कश्मीर फाइल्स अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे से आगे निकल चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल बॉक्स ऑफिस ब्रेकिंग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।